हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम गैस वेल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग, टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग फ्लेम्स एंड देयर एप्लीकेशंस, गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो गैस वेल्डिंग, तो गैस वेल्डिंग क्या है? एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है। और फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, जो हीट है जनरेटेड बाय इस जो गैस वेल्डिंग में है, वो जो हीट है वो जनरेटेड होती है बाय गैसेस, ठीक है। गैसेस को हम के कम्बिनेशन को हम बर्न करते हैं, जिसके कारण हमारी हीट जनरेट होती है और मेटल्स फ्यूज करती हैं, और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमारा जो वेल्डिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जो वेल्डिंग प्रोसेस, द वेल्डिंग प्रोसेस इन विच गैसेज आर यूज्ड इन कम्बिनेशन टू ऑब्टेन अ हॉट फ्लेम फॉर वेल्डिंग ऑपरेशन इज नोन एज गैस वेल्डिंग, ठीक है। यहाँ पर जो हीट है उसको जनरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कम्बिनेशन ऑफ गैस। और मोस्टली जो आजकल यूज हो रहा है कम्बिनेशन, वो है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस का, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो हमारा, कि जो जो द गैस फ्यूजन वेल्डिंग है वो पर्टिकुलरली स्टेबल है फॉर ज्वाइनिंग मेटल शीट्स एंड प्लेट्स हैविंग थिकनेस, जिनकी थिकनेस 2 से 50 mm के बीच में होती है, उन प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए हम गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं। और अगर प्लेट की थिकनेस 15 mm से अबव होती है, तो जो फिलर मेटल है वो हम यूज करते हैं, वो मेल्ट होता रहता है और फील कर देता है कैविटी को, जो दो पार्ट्स ज्वाइन हो रहे हैं उनके बीच में जो कैविटी है, मतलब जो खाली जगह होता है उसको फील करने के लिए हम फिलर मेटल को यूज करते हैं। जो कॉमनली यूज्ड गैसेज हैं फॉर वेल्डिंग आर एसिटिलीन, नेचुरल गैस, हाइड्रोजन इन कम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे जो पहली हमारा कम्बिनेशन था गैस वेल्डिंग का, वो था ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, जो कमर्शियल हमने यूज किया था, ठीक है। और जो उसमें जो गैस फ्लेम का टेम्परेचर होता था, वो होता था लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और जो आजकल हम मोस्ट वाइडली यूज कर रहे हैं वो है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, और इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग हमने जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये बेस मेटल है हमारा, ठीक है। जैसे कि ये हमारी दो प्लेट्स हैं, तो ये हमारा क्या हो गए, बेस मेटल है। हमने इन दो पार्ट्स को गैस वेल्डिंग से ज्वाइन करना है। तो गैस वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है, कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हीट जनरेट करते हैं बाय मीन ऑफ गैसेज, कम्बिनेशन ऑफ गैसेज, जैसे ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन के मिक्सचर से हम फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। तो उस फ्लेम से क्या होता है, ये जो इसका जहां पर हमने वेल्डिंग करनी है वो पार्ट है क्या करता है, फ्यूज करता है, और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमारा जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये वही दिखाया गया है हमारा डायग्राम में, कि ये बेस मेटल है। तो ये हमारा गैस जो वेल्डिंग गैस टोर्च है, टोर्च की टिप है, ठीक है। टोर्च टिप में से हमारी फ्लेम प्रोड्यूस हुई है, जिसके दो कोन है, इनर कोन और ये है फ्लेम एनवॉल्व, मतलब आउटर कोन, और ये हमारा फिलर मेटल है। तो जब हमारा टोर्च से फ्लेम प्रोड्यूस होती है, तो जो आउटर एनवॉल्व होता है वो प्री हीटिंग के लिए यूज होता है वर्कपीस की, और जो इनर कोन है वो मेटल को फ्यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे जैसे मेटल फ्यूज होती है, ठीक है, और आफ्टर सोल्डिफिकेशन हमारा जो वेल्ड है कंप्लीट हो जाता है। हम फिलर मेटल को हम पहले भी डिस्कस किया है, कि अगर प्लेट्स की थिकनेस 15 mm से ज्यादा होती है तो फिलर मेटल यूज होता है। इसके अलावा हम फ्लक्सेस भी यूज करते हैं, ताकि जो ड्यूरिंग जो हमारा वेल्डिंग गैसेज होती हैं वो पास हो जाएं और हमें क्लियर एनवायरमेंट दिखे, उसके लिए हम फ्लक्सेस भी यूज करते हैं वेल्डिंग प्रोसेसेस के अंदर। जो ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग है वो बेसिकली दो स्टेज में होती है। पहली स्टेज में क्या होता है कि
ऑक्सीजन कंबाइंस विद द कार्बन ऑफ द एसेटिलीन एंड फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड और सम अमाउंट ऑफ हीट आल्सो इंड्यूस्ड। तो ये हमारा है इसका कम्बिनेशन, इसमें क्या है कि हमारा C2H2 क्या है, हमारा एसिटिलीन का केमिकल फार्मूला है। तो जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होती है तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कुछ पार्टिकल हाइड्रोजन के और कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। फिर स्टेप टू में क्या होता है, फिर दोबारा कंब्यूशन होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ठीक है, अलोंग विद ऑक्सीजन, और जो हमारा उससे भी वही होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, और फिर हमें कुछ कैलोरीज में हीट प्रोड्यूस होती है। तो वही मैंने जैसे पहले भी बताया था हम कि जो हमारा मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो इनर कोन पे मिलता है, जिससे हमें मेटल फ्यूज करने के काम होता है आता है, और जो आउटर एनवॉल्व होता है उसका टेम्परेचर एज कम्पेयर टू इनर कोन कम होता है, और ये प्री हीटिंग के काम आता है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग फ्लेम्स। तो जो गैस वेल्डिंग फ्लेम्स है, हमने बात करी थी प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग में कि जो हीट क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जब हम गैसेस को कॉम्बिनेशन के अंदर बर्न करते हैं वेल्डिंग टॉर्च के अंदर, तो हमारी जो फ्लेम प्रोड्यूस होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल मतलब बराबर। तो इस फ्लेम में क्या होता है कि वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद वन पार्ट ऑफ एसेटिलीन टू प्रोड्यूस द न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम में हम एक पार्ट ऑक्सीजन का मिक्स करते हैं, एक पार्ट हम एसिटिलीन का मिक्स करते हैं फ्लेम को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो न्यूट्रल फ्लेम होती है उसके दो जोन होते हैं, तो ये होता है हमारा इनर जोन और ये होता है हमारा आउटर जोन। तो जो इनर जोन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 3040 से लेके 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और आउटर जो एनवॉल्व है उसका जो टेम्परेचर होता है वो टिप के आसपास, टिप के यहाँ पर होता है 1260 डिग्री सेंटीग्रेड, और मिडल में लगभग 2100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो जो इनर जोन होता है वो हमारा क्या, मेटल को फ्यूज करने के काम आता है, और आउटर एनवॉल्व किस लिए काम आता है, मेटल की प्री हीटिंग के लिए, ठीक है। और इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इसका इनर जोन होता है वो ब्लूइश ल्यूमिनस वाइट होता है, इसका कलर क्या होता है, ल्यूमिनस वाइट, ब्राइट वाइट नजर आएगा आपको। और जो आउटर एनवॉल्व होता है ये लॉन्ग होता है, ठीक है, और ब्लू कलर का होता है इसका आउटर एनवॉल्व, ठीक है। तो हमने पहले बताया कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम एक पार्ट ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं वन पार्ट एसिटिलीन से। और अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो वेल्डिंग ऑफ स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर के लिए ये न्यूट्रल फ्लेम हम यूज करते हैं। सेकंड है हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को हम पहचान सकते हैं उसके हीजिंग साउंड से। जब भी ये फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो हीजिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। और दूसरा कि जो इसका ये हमारा इनर कोन है और ये आउटर कोन है, तो जो आउटर जोन है, आउटर एनवॉल्व होता है, वो स्मॉल और नैरो होता है इस केस में, ठीक है। और इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो होता है मोर देन वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद वन वॉल्यूम ऑफ एसेटिलीन। मतलब एक वॉल्यूम से ज्यादा हम ऑक्सीजन की एक वॉल्यूम एसेटिलीन के साथ जब मिक्स करते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन से जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इसका भी जो इनर कोन होता है वो लेस ल्यूमिनस एंड शॉर्टर होता है, और जो आउटर एनवॉल्व होता है ए शॉर्ट आउटर फ्लेम एनवॉल्व, वो शॉर्ट होता है, ठीक है। जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो वेल्डिंग ऑफ ब्रास एंड ब्रेजिंग के अंदर होती हैं। जो थर्ड हमारा फ्लेम है वो होती है रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं, और उसको कार्बोराइजिंग फ्लेम भी कहते हैं। तो
इसको भी जैसे डायग्राम में हम देख रहे हैं, इसमें तीन जोन होते हैं। फर्स्ट हमारा इनर कोन हो गया, सेकंड हमारा इंटरमीडिएट कोन हो गया, और थर्ड हमारा क्या हो गया, आउटर एनवॉल्व। तो इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें लेस देन वन पार्ट ऑफ हम ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद पार्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ एसेटिलीन। ठीक है, ये फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय कम्बिनेशन ऑफ लेस देन वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड वन पार्ट ऑफ एसेटिलीन। तो इसमें जो इनर कोन होता है वो ब्लूइश वाइट होता है, मिडल जोन होता है ये वाइट, इंटरमीडिएट कोन होता है वो, और आउटर जोन होता है ना आउटर एनवॉल्व विद रेडिश फीदर। ठीक है, जो आउटर एनवॉल्व है उसका कलर क्या होता है, रेडिश होता है, ये सेंटर में इंटरमीडिएट में वाइट, और ये हमारा ब्लूइश वाइट होता है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो जो नॉन फेरिस अलॉयज हैं जैसे कि निकल और मोनल मेटल, उनको वेल्डिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम को, और सिल्वर ब्रेजिंग में भी कार्बोराइजिंग फ्लेम हमारी यूज होती है। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का है वो हमारा गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स। तो गैस वेल्डिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, तो अगर ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग की बात करें जो आजकल मोस्ट कॉमनली यूज हो रही है, तो उसमें हमारा क्या 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 इक्विपमेंट्स होंगे। नंबर वन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर क्या होता है इसके कलर से हम पहचान सकते हैं, और वैसे भी इसका जो इसकी जो सिलेंडर की लेंथ होती है वो लॉन्ग होती है, और डायामीटर होता है कम होता है एज कंपेयर टू एसिटिलीन गैस सिलेंडर। और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वो होता है 125 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। सेकेंड है हमारा एसेटिलीन गैस सिलेंडर, तो इसकी पहचान कैसे होती है इसके कलर से, इसका कलर क्या होता है, मैरून कलर का होता है, और साइज भी इसका डायामीटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस सिलेंडर आपको ज्यादा नजर आएगा, और जो इसकी लेंथ होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन सिलेंडर। और जो इसके अंदर प्रेशर होता है वो होता है 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर, एसेटिलीन प्रेशर रेगुलेटर। तो इनके बीच में डिफरेंस कैसे होगा कि कौन सा रेगुलेटर ऑक्सीजन का है, कौन सा रेगुलेटर एसेटिलीन का है। तो जो ऑक्सीजन का प्रेशर रेगुलेटर होता है उसमें राइट हैंड थ्रेड होते हैं, और एसेटिलीन का जो प्रेशर रेगुलेटर होता है उसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन गैस होज एंड एसेटिलीन गैस होज। तो इनमें भी होज मतलब एक पाइप ही होती है, तो इनमें हमें कैसे पता चलेगा कि किस कौन सा हमारा ऑक्सीजन की होज है या कौन सी एसेटिलीन की होज है, तो वो भी है बाय कलर डिफरेंस। ऑक्सीजन गैस होज हमारी ब्लू कलर की होती है, और एसेटिलीन गैस होज हमारी रेड कलर की होती है। नेक्स्ट है हमारा वेल्डिंग टॉर्च और ब्लो पाइप विद सेट ऑफ नोजल्स एंड गैस लाइटर। तो टॉर्च हमारा क्या होती है, जिसमें से हमारी फ्लेम प्रोड्यूस होती है जब हम कम्बिनेशन ऑफ गैस को बर्न करते हैं टॉर्च के अंदर, तो उससे हमारा क्या होता है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो फ्लेम को प्रोड्यूस करने के लिए हम गैस लाइटर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है हमारा फिलर रोड्स एंड फ्लक्सेस। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग में कि फिलर रोड जब हमारी जो प्लेट्स की थिकनेस 15 mm से ज्यादा होती है तो फिलर रोड हमें यूज करनी पड़ती है टू फिल दी गैप या कैविटी बिटवीन टू मेटल पीसेस। ठीक है, फ्लक्सिस किस लिए यूज करते हैं हम, ताकि जो हमारी जो गैस वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो क्लियरली पास हो जाए और हमें वेल्डिंग जोन क्लियरली विजिबल हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फॉर वेल्डर। ठीक है, तो वेल्डर की सेफ्टी के लिए हम ये यूज करते हैं, जैसे एस्बेस्टस एप्रेन। एस्बेस्टस मटेरियल क्या होता है
कि ये नॉन फ्लेमेबल होता है, जल्दी से हीट नहीं पकड़ता। ठीक है, ग्लव्स हो गए, ठीक है, गोगल्स, ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है गैस वेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिलेंडर, तो जो हमारा ऑक्सीजन या एसेटिलीन सिलेंडर है उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रॉली। तो ये इक्विपमेंट्स थे जो हम यूज करते हैं गैस वेल्डिंग के अंदर। तो अब इन इक्विपमेंट्स को मैं आपको एक्चुअल ये कैसे दिखते हैं ये आपको मैं वेल्डिंग शॉप के अंदर दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट था हमने जो इक्विपमेंट था वो था ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा पीछे आपको पूरा वर्जन दिखाऊं तो ये आया हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर जो किस कलर का है, ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक कलर है इसका। और जो इसके ऊपर ये हमारा क्या है, ये रेगुलेटर है जिसमें क्या होंगे, राइट हैंड थ्रेड होंगे। और इसके ऊपर जो आपको दिख रही हैं दो हमारे प्रेशर वाल्व्स हैं, जो एक इनलेट प्रेशर वाल्व है जो प्रेशर दिखा रही है कि इनसाइड द सिलेंडर कितना होगा, और जो दूसरा क्या है हमारा आउटलेट है कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं टॉर्च के अंदर उसका प्रेशर दिखाएगा। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। नेक्स्ट था हमारा एसेटिलीन सिलेंडर, तो इनमें डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी लेंथ क्या है, ज्यादा होती है। ठीक है, और उसका जो डायामीटर है वो भी क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू एसेटिलीन सिलेंडर, और कलर ब्लैक है। और एसेटिलीन सिलेंडर की बात करें तो उसका जो कलर क्या है वो मैरून कलर का है। ठीक है, सेम इसके ऊपर भी यही चीज होती है कि आपको ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर है, इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड होंगे, और दो हमारे यहाँ पर भी प्रेशर रेगुलेट वाल्व्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, वही एक हमारा हाई प्रेशर जो होगा वो दिखाएगा एसिटिलीन गैस सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है, और दूसरा हमारा आउटलेट का। उसके बाद हमारी होजेज की बात करें तो जो पाइप्स होती हैं उन्हीं को हम होज कहते हैं। तो उसका भी हमने इंडिकेशन किससे किया था, कलर कोडिंग से। तो जो ऑक्सीजन की होज होती है वो क्या होती है, ब्लू कलर की होती है, जो हमें ये नजर आ रही है ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्टेड है, ब्लू कलर की होज होती है। और जो एसेटिलीन गैस सिलेंडर से कनेक्टेड होती है उस होज का कलर क्या होता है, रेड कलर की होती है। ठीक है, तो आगे ये किससे कनेक्ट होती है, वेल्डिंग टॉर्च से। तो जो ये हमारी क्या है, वेल्डिंग टॉर्च है। तो आप देखिए इसमें ये दोनों पाइप्स क्या है, कनेक्ट हो रखी हैं। ये हमारा ब्लू कलर की है, ये ऑक्सीजन के लिए है, और जो ये रेड कलर की है ये किसके लिए है, हमारी एसेटिलीन गैस के लिए है। ये गैसेस, ये हमारा यहाँ पर क्या है, रेगुलेटर्स, इनको कंट्रोल करने के लिए वाल्व्स दिए हैं, रेगुलेटर्स दिए हैं, जिससे हम इन गैसेस को कंट्रोल करते हैं। और अलग अलग टाइप की, जो हमने तीन टाइप की फ्लेम्स स्टडी करी थी, तो वो तीन टाइप की फ्लेम्स, इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो एसिटिलीन और गैस, जो हमारा ऑक्सीजन गैस है, उनकी अलग अलग वॉल्यूम को हम एडजस्ट करके ये गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो हमारी है टिप है, ये नोजल है, ये हमारी टॉर्च की टिप है, यहां से हमारी फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, यहां से हमारी फ्लेम्स निकलती हैं, तो मतलब फ्लेम्स में गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस को हम, तो जब गैसेस हमारी यहां से निकलती हैं तो उसको बर्न करने के लिए, जैसे हम घरों में गैस को जलाने के लिए लाइटर का यूज करते हैं, तो सेम यहां पर भी हम, यहां पर गैस इग्नाइटर के लिए, वही इग्निशन के लिए हम यहां पर भी एक लाइटर का यूज करते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। स्पार्क लाइटर जो होता है वो हमारा इस टाइप से होता है, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, तो ये स्पार्क लाइटर हम यूज करते हैं अपना गैसेस को बर्न करने के लिए। तो ये ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग का आउटफिट का डायग्राम है, जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था
तो ये वही है, ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। ये इसके ऊपर हमारा सिलेंडर की वाल्व है। सिलेंडर की से वाल्व क्या करती है, इसको ओपन और क्लोज करने के लिए, ठीक है। ये हमारा आउटलेट प्रेशर गेज है और ये हमारा सिलेंडर का प्रेशर गेज है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन रेगुलेटर है जो सप्लाई करने के काम आता है टॉर्च में, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा क्या है, एसिटिलीन सिलेंडर है जिसका कलर क्या होगा, मैरून होएगा। तो इसका देखिए भाई, इसकी जो लेंथ है वो कम है और डायामीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। इसमें भी वही हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है, ये क्या और ये वही दो वाल्व लगे हुए हैं, ठीक है। ये आउटलेट और ये हमारा सिलेंडर का प्रेशर गेज है, ठीक है। अब होज हैं भाई, होज को भी मैंने दिखाया था आपको, ये किस कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी ऑक्सीजन वाली, और एसिटिलीन वाली रेड कलर की होगी। ये दोनों होज कहाँ लगी हुई हैं, वेल्डिंग टॉर्च के अंदर जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। उसके अंदर दो वाल्व्स भी दिखाए थे जो क्या करते हैं, गैस की सप्लाई जो आ रही है उसको एडजस्ट करके कम्बिनेशन जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स हम प्रोड्यूस करते हैं। ये टॉर्च का बॉडी है, ये मिक्सिंग चैम्बर हो गया, और ये लास्ट में क्या है, वेल्डिंग टिप जिसको हम नोजल भी कहते हैं, जहाँ से हाई प्रेशर पे गैसेस निकलती हैं और फिर हम लाइटर के को यूज करके उनको इग्नाइट करते हैं और फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन के ऊपर सेफ्टी कैप भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सेटअप का डायग्राम है जो अभी हमने प्रैक्टिकली देखा था। तो वेल्डिंग टॉर्च की अगर बात करें तो ये आपको चार्ट के अंदर दो टाइप की वेल्डिंग टॉर्च नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो जो हमारी गैसेज हैं वन और टू, ठीक है। तो पोर्ट वन से हमारी ऑक्सीजन एंटर करती है और पोर्ट टू से हमारा एसेटिलीन एंटर करता है, ठीक है। और ये जो पोर्ट थ्री दिखाया गया है वहां पर दोनों मिक्स होती हैं, ठीक है। और आगे नोजल के थ्रू हम इनको इंजेक्ट करते हैं। और जो नीचे वाली है इंजेक्टर टाइप है, तो इसकी शेप में वही है, ऑक्सीजन फ्लोज थ्रू पासेज वन इंटू द वेंचुरी टू एंड एस्पिरेट्स द फ्यूल गैस इंटू द मिक्सिंग चैम्बर फ्रॉम नंबर ऑफ पोर्ट थ्री। तो यहां पर भी है, एसिथिलीन जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, वो वेंचुरी से निकलती है और अपना मिक्स हो जाती है। तो ये हमारी दो टाइप की जो वेल्डिंग टॉर्च हैं वो यूज होती हैं। एक तो है गैस फ्लो पैटर्न इन पॉजिटिव प्रेशर होता है ऊपर वाली में, और जो नीचे वाली है वो है इंजेक्टर टाइप। तो ये हमारी एक्चुअल टॉर्च है, ठीक है। तो ये जो होजेज हैं ब्लू रेड ऑक्सीजन एसिटिलीन, ये हमारी यहाँ से अंदर एंटर हो रही है गैस, ये मिक्सिंग चैम्बर हो गया जो डायग्राम में दिखा था, और ये दो हमारे रेगुलेटर्स हो गए जो क्या कर रहे हैं, इनकी जो कम्बिनेशन हमने जिसके कारण फ्लेम्स प्रोड्यूस होनी है उनको प्रोड्यूस करने के लिए हम इस वाल्व्स के थ्रू रेगुलेटर्स के थ्रू ऑक्सीजन और एथिलीन को मिक्स करते हैं, ठीक है। ये उसकी बॉडी के बाद ही हमारे आगे नोजल, ये हमारी क्या है, नोजल है। तो जो रेगुलेटर्स के अंदर जो ऑक्सीजन का वर्किंग प्रेशर होता है वो लगभग 1 kg/cm² होता है, और जो एसेटिलीन का होता है वो होता है 0.15 kg/cm², और ये जो प्रेशर है ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ प्लेट। प्रेशर रेगुलेटर्स की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, सिंगल स्टेज और टू स्टेज। सिंगल स्टेज रेगुलेटर क्या होते हैं, एक ही स्टेप में प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। कि हाई प्रेशर इनलेट आ रही है हमारी, इस सिलेंडर का प्रेशर गेज लगा हुआ है, तो ये रेगुलेटर क्या करता है, वन स्टेज में ही प्रेशर को रिड्यूस कर देता है लो प्रेशर में।
जो टू स्टेज रेगुलेटर होते हैं उसमें यही जो काम है दो स्टेज में होता है। तो ये हाई प्रेशर सिलेंडर गेज है, यहाँ से हमारा इनलेट हुआ, तो फर्स्ट स्टेज में प्रेशर हमारा मीडियम हुआ, देन सेकंड स्टेज में हमारा प्रेशर लो हो गया, ये हमारी आउटलेट है। जो होजेज होती हैं, ब्लू होज हमारी ऑक्सीजन के लिए और रेड होज होती है जो एसिटिलीन के लिए होती है, वो क्या होती है, लाइट फ्लेक्सिबल स्ट्रोंग नॉन पोरस कोर्ड रेनिफोर्स रबर से बनी होती है, ठीक है, टू प्रिवेंट हमारा मिस्टेक से कोई इधर उधर ना हो जाए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कलर कोडिंग करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में आप देख रहे हो इस टाइप से हमारी होज होती है, ये इसका इंटरनल व्यू दिखा रहे हैं हम इसको। नेक्स्ट हमारा है वेल्डिंग टॉर्च, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो उसकी नोजल होती है वो भी दिखा चुका हूँ, गैस लाइटर भी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिलर रोड्स एंड फ्लक्सेस आपको बता चुका हूँ। तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स आपने यूज की होंगी और अब भी जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप उनको यूज करोगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ।